B2C इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड बटन पर क्लिक करें और ये साइड में बेल का आइकन, इस पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ है, इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप की नॉलेज आपको और कोई दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि नहीं है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो, वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि खुद के लिए कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग कैसे कराते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक करेंगे, जैसे ग्रे कपड़ा क्या होता है, उसका कीमत क्या होता है, और उसमें कुर्ती बनाने तक में क्या क्या प्रोसेस होता है, और जैसे उसमें ब्लीचिंग क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, डाइंग क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, प्रिंटिंग क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, कटिंग स्टिचिंग क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, पैकिंग क्या होता है, फ़ोटोशूट कैसे करते हैं, क्या होता है, टैग जो ब्रांडेड टैग जो बनवाते हैं वो कैसे बनवाते हैं और उनका कॉस्ट क्या होता है, बार कोड क्या होता है, बार कोड कैसे जनरेट करते हैं, और मार्केटिंग क्या होता है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुँचता है, और बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये वीडियो बनाने में मेरे को 7 से 8 दिन लगे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और एक लाइक तो आप कर ही दिया करो, और कमेंट भी, कुछ भी कमेंट में आप कुछ भी लिख के बता दिया करो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, कोई सजेशन है, कुछ मेरे को सुझाव देना है, या आपकी कोई राय है, या कोई टॉपिक मेरे से गलत बोल गया है उसको करेक्ट करना है, तो वो आप ज़रूर बता दिया करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम रियोन 14 kg कपड़े से कुर्ती बनाने के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादातर लोगों के डिमांड में रहता है और मार्केट में ज़्यादातर आप रेयन 14 kg के बारे में ज़्यादा सुनते होंगे, तो मैंने सोचा इसी के बारे में वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। तो दोस्तों, ग्रे कपड़ा क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ग्रे कपड़ा वो होता है जो रॉ मेटल से बना हुआ और गारमेंट के लिए यूज होने वाला पहला स्टेज होता है, वो उसको हम ग्रे कपड़ा बोलते हैं। और दोस्तों, ग्रे कपड़ा में यूज होने वाले जो रॉ मेटल होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, जो रेशम हो गया, कपास हो गया, कॉटन हो गया, वूल, जो वूल बोलते हैं ना हम, वो हो गया, कॉमनली ये जो रॉ मेटल वो यूज होते हैं ये ग्रे कपड़ा बनाने के लिए। बाकी अगर डिटेल चाहिए तो मैं बाद में बना दूंगा, इसमें इतना डिटेल कवर नहीं हो पाएगा। तो चलो, फिर भी एक हल्का सा नज़र डाल लेते हैं कि ग्रे कपड़ा रॉ मेटल से कैसे कैसे बनता है। जो अभी मैंने रॉ मेटल बताए थे उसमें एलडी कर्व नाम का केमिकल मिला के उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको यान के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, और यान से फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस करके ग्रे कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ ग्रे कपड़े से कुर्ती बनाने का प्रोसेस और उसके कॉस्ट के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, और आप करा भी नहीं पाओगे। तो हम ग्रे कपड़ा से लगा के फाइनल प्रोडक्ट तक क्या क्या होता है वही उसी के बारे में बात करेंगे। ये तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था। तो चलो, हम 14 kg रेयन के कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। 14 kg रेयन का प्राइस ग्रे कपड़े का देखा जाए तो ये 29 से 35 रुपीज़ पर मीटर होता है 14 kg का। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, ये 44 मतलब 44 इंच का जो पन्ना बोलते हैं या चौड़ाई बोलते हैं उसका कीमत है, बाकी अगर पन्ना छोटा होगा तो कम कीमत होता है और अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा कीमत होता है। तो जनरली जो यूज होने वाला जो कपड़ा रहता है वो 44 इंच का ही रहता है। अब आप सोचोगे कि रेंज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई 14 kg बोलकर दे रहा है तो समझो उसमें 12.5 kg से लगा के 14 kg तक रेंज होगा। इसलिए अगर आपको रेयन का पहचान नहीं है तो आप ट्रस्टेड व्यापारी से ही खरीदें, चाहे थोड़ा महंगा हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ लोग कपड़ा अच्छा देते हैं और मार्जिन कम देते हैं, तो ऐसे लोगों से डील करने में फ़ायदा है। लेकिन जो कुछ लोग सस्ता देते हैं और माल का क्वालिटी ख़राब देते हैं, ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे लोगों से डील करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लोकल में ही बेचना है तो ले सकते हैं, मगर अगर आपको एक ब्रांड की तरह चलना है या आपका अपना नाम बनाना है तो इस टाइप का कपड़ा आप ना लें। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्रांडेड कपड़े रहते हैं वो महंगे क्यों रहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली अच्छा कपड़ा यूज़ करते हैं और क्वालिटी पे यकीन करते हैं, बाकी स्टिचिंग वगैरह सारा मतलब क्वालिटी काम कराते हैं, इसलिए उनका कपड़ा महंगा हो जाता है। दोस्तों, अब हम वॉशिंग और ब्लीचिंग की बात कर लेते हैं। देखो, ग्रे कपड़ा डाइंग से पहले वॉशिंग या ब्लीचिंग करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर कपड़ा गंदा हो या शाइनिंग नहीं है तो वॉशिंग और ब्लीचिंग किया जाता है, अगर वरना ज़रूरत नहीं है वॉशिंग और ब्लीचिंग करने का। तो आप जब भी वहाँ से कपड़ा खरीदें, कहीं से भी खरीदें, तो पहले से आप बोल के दे दो कि मेरे को डायरेक्ट उस पर डाइंग कराना है, तो मेरे को एकदम बढ़िया कपड़ा देना है। तो बाकी जो मैंने ये कीमत बताई है ना ग्रे कपड़े का, वो अच्छे वाले कपड़े का कीमत बताया, बाकी तो और भी टाइप से मिलते हैं वो अलग बात है। तो एक्चुअली अगर फिर भी मान लो आपको अगर
ब्लीचिंग और वॉशिंग कराना पड़ गया तो इसका एक्चुअली कीमत होता है 1 से लगा के 5 रुपये मीटर, रुपये पर मीटर होता है। क्योंकि ये रेंज इसलिए भी है कि जो कपड़े का अलग अलग कुछ अच्छे कपड़े रहते हैं जो हाई क्वालिटी है, उनका थोड़ा वॉशिंग और ब्लीचिंग का कॉस्ट अलग होता है, इसलिए मैंने ये रेंज बताया आपको। नेक्स्ट हम डाइंग की बात करते हैं। डाइंग प्रोसेस के अंदर हम कपड़े को कलर करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम कपड़े के मनचाहा कलर दे सकते हैं। ड्राइंग में ज़्यादातर दो तरीके से डाइंग किया जाता है, एक तो मिल डाइंग, दूसरा तपेला डाइंग। ये दोनों डाइंग में ज़्यादातर लोग तपेला डाइंग कराना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें माना जाता है कि ये मिल डाइंग से थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन मिल डाइंग सस्ता और तपेला डाइंग थोड़ा महंगा होता है। मिल डाइंग कराने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए और तपेला डाइंग कराने के लिए थोड़ा कम कपड़ा भी होगा तो आप करा सकते हैं, इसलिए छोटे व्यापारी तपेला डाइंग कराना पसंद करते हैं। इसकी कीमत की बात की जाए तो तपेला डाइंग का लगभग 10 से 12 रुपये पर मीटर होता है और मिल का कॉस्टिंग 5 से 8 रुपये पर मीटर होता है। ये एक्चुअली कपड़े के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम तपेला डाइंग का ही एग्जांपल लेंगे। दोस्तों एक्चुअली नॉलेज की बात हमेशा बोरिंग सी लगती है, लेकिन आपके लिए जाना ज़रूरी है। अगर ये सब जान जाएंगे तो आप व्यापार करने में मज़ा आएगा और आपको कोई बना नहीं पाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो को ना आप अपने हिसाब से रेटिंग करके बताएं कमेंट के थ्रू। आप 1 से लगा के 10 तक कमेंट में लिखें, कोई भी नंबर लिखें, जैसे आपको लगता है कि मतलब ये वीडियो 1 स्टार लाइक था तो 1 कमेंट में लिख दें। अगर आपको लगता है कि 10 स्टार तक मिलना चाहिए ये वीडियो को तो 10 कमेंट में लिख के छोड़ दें, जिससे मैं समझ जाऊँगा कि मेरा वीडियो वैल्यूबल है और या इस टाइप का मेरे को वीडियो आगे लेके आना है नहीं आना है, या आपको बोर कर रहा है। जो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करना और इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि अगर आपको भी ये वैल्यूबल लग रहा है तो शायद ये दूसरे किसी के काम आ जाए और उसको इस टाइप का इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी हो। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग एक्चुअली 3 तरीका से होता है, एक होता है मिल प्रिंट, दूसरा टेबल प्रिंट, तीसरा डिजिटल प्रिंट। इसमें डिजिटल प्रिंट एक कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होता है, कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट किया जाता है और ये महंगा भी होता है। और सेकंड होता है मिल प्रिंट, तो ये भी कंप्यूटराइज होता है लेकिन इसमें थोड़ा सस्ता होता है, कलर्स के थ्रू किया जाता है। और तीसरा हो गया टेबल प्रिंट। तो टेबल प्रिंट कलर के थ्रू किया जाता है, उसमें जो फर्मा लगा के लोग फर्मा बनाते हैं जो डिज़ाइन के हिसाब से, उस हिसाब से उस पर कलर करके उसको प्रिंट कर देते हैं। एक्चुअली एक टेबल प्रिंट इसलिए भी पसंद करते हैं, जिनका कम क्वांटिटी होता है तो वो टेबल प्रिंट करा सकते हैं, इसलिए टेबल प्रिंट प्रेफर करते हैं लोग। बाकी जो अच्छा खासा क्वांटिटी है वो मिल प्रिंट कराना पसंद करते हैं, या फिर जिसको ज़रूरत है डिजिटल प्रिंट की तो वो डिजिटल प्रिंट भी कराते हैं। तो मैं इसमें खाली जो टेबल प्रिंट की बात करूँगा, क्योंकि ये आपको अगर मेरे हिसाब से कम क्वांटिटी वाले होंगे तो आप, अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी है तो मिल प्रिंट भी करा सकते हैं, उसके बारे में अलग वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो प्रिंटिंग कॉस्ट का कीमत 10 से 16 रुपये पर मीटर होता है। मैं शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है या फिर जो बड़े होलसेलर हैं वो एक्चुअली ऐसा ही करते हैं, ग्रे कपड़ा लेते हैं और वहाँ से जो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो खुद करते हैं, इसलिए उनका कॉस्टिंग कम पड़ता है और वो होलसेल में अच्छा मार्जिन लेके और कस्टमर को दे भी देते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है तो आप इस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बड़ा कंपनी या लॉन्ग टर्म तक चलना है तो ऐसा करने में आपको फ़ायदा है। बाकी आप अगर आप चाहें तो प्रिंट डाइंग कपड़ा भी ले सकते हैं, उसको प्रिंट करा के अपने हिसाब से करा सकते हैं आगे प्रोसेस, या फिर प्रिंटेड कपड़ा भी बहुत लोग लेके काम कराते हैं आगे, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरा इसलिए बताने का मकसद यही है कि आपको अच्छा कॉस्टिंग पड़ेगा तो आपका जल्दी सेल होगा और आगे बहुत आप होलसेलर भी आप बन सकते हो उस टाइप से। मैं तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपकी मर्जी है जहाँ से शुरू आपको करना है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक का आप कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लो, तो जो मैंने कॉस्टिंग बताया है उसका आप एवरेज कॉस्टिंग पकड़ना, ना तो कम पकड़ना या ज़्यादा पकड़ना, तो सबका एवरेज कॉस्टिंग पकड़ के 2.5 मीटर कपड़े में अभी तक का कितना कॉस्टिंग आया आप कैलकुलेट कर लो आपके हिसाब से, और आप मुझे भी शेयर कर सकते हो कमेंट करके कि इतना कॉस्टिंग हो गया। एक्चुअली ये हल्का फुल्के कपड़े या हल्की कुर्ती के बारे में बात नहीं हो रही, ये इस टाइप का अगर जो मैं बता रहा हूँ एक बनाओगे ना तो एक ब्रांडेड जो बनाते ना लोग उसी टाइप से आप, उस टाइप का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका लगे कि आपका एयर कॉस्टिंग अभी तक ही इतना हो गया, क्योंकि जो मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, अगर ऐसी कुर्ती आप बना लोगे ना तो वो होलसेल प्राइस में कम से कम आपको 350-400 रुपये की कुर्ती मिलेगी। पार्ट वन में बस यहाँ तक प्रोसेस में कवर करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी मेरी बक बक सुन के परेशान हो गए होंगे शायद, तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। और पार्ट टू को जल्दी लाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ। दोस्तों B2C इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और दोस्तों इस बार आप पॉल्यूशन फ्री और सेफ दीपावली मनाएं। सो धन्यवाद।